हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जहां मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त प्रज्ञा लाई हूं आपके लिए अपडेट हमारे नेक्स्ट मैच की। जी हाँ, तो डैडी ग्रुप आपके लिए लेकर आया है क्रिकेट की राइट प्रेडिक्शन। मैं बात कर रही हूं इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगले मैच 2 मार्च शाम 7:30 बजे एट रावलपिंडी स्टेडियम। अब बात करते हैं दोनों ही टीम के करंट मैच रिकॉर्ड प्रीव्यूज एंड सब कुछ की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इन्होंने अपने पिछले 5 मैचेस में 2 मैच में जीत दर्ज की है और ये है पॉइंट टेबल पर नंबर 4 पर। वही बात करें अगर हमारी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, दिस इज द टीम दैट रनिंग टूवर्ड सक्सेस। 4 मैचेस में ये 3 मैचेस जीत चुकी है और पॉइंट टेबल पर बैठी हुई है नंबर 2 पर। अब अगले मैच में दोनों ही टीम का पूरा फोकस होगा इस बात पर कि ये अपने आप को ले जाए पॉइंट टेबल के टॉप पर और ज्यादा पॉइंट के साथ। अगर बात करें दोनों ही टीम के हेड ऑन मैचेस और 11 की प्लेइंग प्लेयर्स और सब कुछ कौन है, तो यू कैन सी डाउन ऑन माय स्क्रीन। टॉप की प्लेयर्स की बात करें तो इस्लामाबाद के साइड से हैं आजम खान और शादाब खान। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्वेटा ग्लैडिएटर से हैं जेसन रे। अब अगर बात करें पिच और बहुत सारी चीजों की, तो सबसे पहले मैं पिच के बारे में बात करूंगी। 170 के ऊपर स्कोर बनाने वाली टीम बैटिंग में कॉम्पिटेटिव स्कोर देगी, इसलिए चेजिंग टीम को बहुत जरूरत है स्लो बॉलर स्पेशलाइज ऐसे कम से कम 2 बॉलर्स को चूज करने की। वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, थंडर स्टॉर्म होने के बहुत ज्यादा आसार और हो सकता है थोड़ी बारिश भी देखने को मिले। अब इस सब के बाद अगर प्रेडिक्शन की बात करें, नो डाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर प्लेइंग वेल दिस सीजन और जिस हिसाब से आईपीएल अब तक आधे सीरीज तक पहुंच चुका है, मुझे लगता है करेंटली जिस तैयारी के साथ दोनों टीम खेल रही हैं, ऑल्दो बोथ आर प्लेइंग गुड, बट आई विल प्रेडिक्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स टू इजिली विन दिस मैच। फॉर मोर अपडेट कीप फॉलोइंग द टिप्स, द लिंक इन द चैनल।